Students, so today we'll discuss about the seventh unit of community health nursing, that is referral system. So let's begin the topic. Introduction. At each level of healthcare infrastructure, there is a need for support from higher level of infrastructure and also from the secondary and tertiary level hospitals to strengthen and promote credibility of primary healthcare system. So we all know that at each level of हेल्थकेयर सेटिंग्स ओके जो भी लेवल्स हैं हेल्थ केयर सेटिंग की, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी लेवल्स, तो अकॉर्डिंग टू वो जो लेवल्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को बेसिस पे लेकर जो भी लेवल है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी से इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि बिल्डअप हुआ है हायर लेवल से लो से हाई लेवल जैसे बता रखा है इसके अंदर सेकेंडरी टू प्राइमरी लेवल हॉस्पिटल्स को, ताकि हॉस्पिटल्स जो भी प्राइमरी सेकेंडरी हॉस्पिटल्स हैं वो अपने आप को स्ट्रेंथन कर सके और जो भी केस है, जो भी उनसे अगर डीलअप नहीं हो पा रहा केसेस ताकि वो स्ट्रेंथ करें और वो और ढंग से प्रमोट कर सकें हेल्थ को प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम्स को, ताकि स्ट्रेंथन कर सकें और जो भी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसमें भी मैन्युफैक्चर अच्छी तरह हो पाए। तो जो भी हेल्थ दे रहे हैं, तो रेफरल सिस्टम क्या है? रेफरल सिस्टम एक ऐसी यूनिट है जो डाउन से अपस्टेयर्स लो लेवल से हाई लेवल्स में हेल्थ केयर अपने प्रोवाइड करा सकें दैट इज़ प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, जो कि एक पूरा सिस्टम है उसके अंडर में आता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट, डेफिनेशन। सो व्हाट इज रेफरल सिस्टम? एक्चुअली व्हाट इज रेफरल सिस्टम? इट इज, सो रेफरल सिस्टम इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ ट्रांसफरिंग केसेस व्हिच आर बियॉन्ड द टेक्निकल कॉम्पिटेंस ऑफ वन इंफ्रास्ट्रक्चर टू द हायर लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन हैविंग टेक्निकल कॉम्पिटेंसी एंड ऑल अदर रिसोर्सेज टू प्रोवाइड डिजायर्ड हेल्थ सर्विसेज। ओके, सो व्हाट इज हेल्थ रेफरल सिस्टम? रेफरल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे अपन जो भी केसेस होते हैं, जो केसेस डील नहीं होते उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में या उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में अगर वो ठीक नहीं हो रहा, तो वो हायर लेवल हम उसको सेंड कर सकते हैं उस पेशेंट को, अगर वहाँ पे प्रॉपर केयर नहीं मिल पा रहा या वहाँ पे ऐसे डायग्नोस्टिकल टेक्निक्स नहीं हैं जो कि एक हायर लेवल में होती है, एक हायर लेवल हॉस्पिटल में या हायर लेवल सेंटर्स में होती है। तो अपन रेफरल सिस्टम में क्या करते हैं, उस केस को ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे कि प्राइमरी लेवल है, प्राइमरी लेवल में अगर वो पेशेंट का केयर नहीं हो पा रहा कि ऐसा हाई लेवल है या टेक्निकल केस है थोड़ा, जिसका सारा जो भी है केसेस का वो हाई लेवल कर सकता है, जो हाई लेवल में मतलब सेकेंडरी लेवल मानो, तो सेकेंडरी लेवल में वो क्या करेंगे, केसेस को ट्रांसफ़र कर देंगे अकॉर्डिंग टू दैट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब उस लेवल का मानो कि प्राइमरी हेल्थ लेवल है, सेकेंडरी है एंड टर्शरी है, तो प्राइमरी हेल्थ से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, तो ऐसे ही हायर लेवल पे रेफर करना। रेफर मतलब अपन क्या करेंगे, उस सिस्टम में ट्रांसफ़र कर देंगे उस पर्टिकुलर पेशेंट को। तो जैसे अगर वो मान लो पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है या पेशेंट को हायर केयर की ज़रूरत है या हायर टेक्निकल चीज़ों की ज़रूरत है जो कि एक हायर सेंटर्स में मिलेगी, तो अपन पेशेंट को ट्रांसफ़र कर देंगे हाई लेवल पे, क्योंकि हाई लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ताकि वहाँ पे डिज़ायरेबल उसको रिसोर्सेज मिल पाए, डिज़ायरेबल चीज़ें मिल पाए जिससे और पेशेंट में इम्प्रूवमेंट हो, और ऐसी चीज़ें वहाँ पे नहीं है प्रोवाइडेड, तो वहाँ पे हाई लेवल केसेस में अपन हाई लेवल हॉस्पिटल्स में वी कैन सी ऑल द फैसिलिटीज इज प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू दैट पेशेंट, अकॉर्डिंग टू पेशेंट के नीड पे, वो सारी डिपेंड करता है कि पेशेंट को क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें उस हायर सेंटर्स में मिल सकता है। तो रेफरल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे अपन केसेस को ट्रांसफ़र करते हैं लो लेवल से हाई लेवल में, ताकि बेटर इम्प्रूवमेंट हो, हेल्थ प्रमोशन अच्छा हो और पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़े, प्लस पेशेंट्स अच्छी तरह क्योर हो प्रॉपर रिसोर्सेज से, जो भी रिसोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल है उन रिसोर्सेज से। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ रेफरल सिस्टम। लेट्स मूव ऑन टू द अदर टॉपिक, दैट इज सम पॉइंट्स आर देयर रिगार्डिंग रेफरल सिस्टम, सो रीड वन बाय वन। सो फर्स्ट पॉइंट इज द रेफरल सिस्टम इज वर्टिकल इन नेचर। ओके, तो जो रेफरल सिस्टम है वो वर्टिकल इन नेचर है, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी,
ठीक है, इस लेवल पे हैं। ओके, एंड ये एक ट्राइंगल है जो रिप्रेजेंट करेगा, फर्दर स्लाइड्स में अपन देखेंगे, एक ट्राइंगल है जो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और उससे हायर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, सब स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स। ओके, सो वो डिपेंड करता है वर्टिकल सिस्टम, वो डिपेंड करता है नेचर एंड वर्टिकल इन नेचर होगा। ओके, तो वो किस कैसे नेचर में होगा, वो वर्टिकल होगा, जैसे मैंने बताया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ओके, तो वो उस लेवल पे होगा, वर्टिकल होगा नेचर में, ठीक है। नेक्स्ट है, द केसेस कैन बी रेफर फ्रॉम विलेज हेल्थ पोस्ट टू SC। अब केसेस कैसे ट्रांसफ़र होंगे? ओके, सो केसेस ऐसे ट्रांसफ़र होंगे, सबसे पहले विलेज लेवल से पोस्ट भेजेंगे। ओके, विलेज लेवल से अपन पोस्ट भेजेंगे सब सेंटर। ओके, सब सेंटर देन पब्लिक हेल्थ सेंटर्स। नेक्स्ट, सब सेंटर से वो PHC, CHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, एंड कम्युनिटी प्राइमरी हेल्थ सेंटर से सेकेंडरी, टर्शरी हॉस्पिटल्स, ठीक है, हॉस्पिटल्स में अपन क्या करेंगे, प्रमोट कर देंगे। तो ऐसे ये रेफरल सिस्टम चलता है, सबसे पहले अपन हॉस्पिटल पोस्ट से भेजेंगे, हॉस्पिटल पोस्ट से भेज के सब सेंटर भेजेंगे। ओके, सब सेंटर से अपन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, प्राइमरी से अपन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से अपन पर्टिकुलर प्राइमरी हॉस्पिटल्स में भेजेंगे, जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। उसके बाद अगर गवर्नमेंट में भी ट्रीट नहीं होता है तो अपन उसको हायर सेकेंडरी लेवल ऑफ हॉस्पिटल्स में भेजेंगे। अगर वहाँ पे भी ठीक नहीं होता तो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में अपन भेजेंगे, ताकि पेशेंट को अच्छी केयर प्रोवाइड हो सके और वो अच्छी तरह ट्रीट हो सके। ओके, नेक्स्ट, प्रोविजन इज मेड बाय बाईपासिंग और टू लेवल डिपेंडिंग अपॉन टू द नेचर एंड सीरियसनेस ऑफ केसेस, सो दैट रिक्वायर मेडिकल एंड नर्सिंग केयर कैन बी गिवन ऑन द टाइम टू केसेस एंड मोर्टैलिटी एंड मॉर्बिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड एंड कंट्रोल्ड। ओके, सो इसमें ये बता रखा है कि जो भी अपन प्रोविजन दे रहे हैं, पेशेंट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक हेल्थ केयर लेवल से दूसरे हेल्थ केयर लेवल पे, ओके, सो उस लेवल पे वो डिपेंड करता है कि पेशेंट कितना सीरियस है। ओके, दैट इज़ डिपेंड ऑन द सीरियसनेस ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की सीरियसनेस पे वो डिपेंड करेगा कि पेशेंट का सीरियस है, पेशेंट कितना सीरियस है पेशेंट, ठीक है, उसका केस ऑफ सीरियसनेस क्या है। अगर उसका केस ऑफ सीरियसनेस उतना हाई लेवल का होगा तो अपन उसको जल्दी से रेफर करेंगे। तो उसके अंदर यही लिखा है, सो ताकि वो अच्छी मेडिकल केयर फैसिलिटी, अच्छी नर्सिंग फैसिलिटीज़ को ले सके और प्लस उसमें मॉर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी रेट को भी कंट्रोल कर सके, ठीक है, अपन डेथ रेट और सिक रेट को भी कंट्रोल कर सके। ओके, सिकेस्ट रिस्क कम हो जाएगी, अगर मान लो उस हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में वो केस नहीं हो पा रहा, अपन ने हाई लेवल में भेजा उसको, हाई लेवल में प्रॉपरली ट्रीटमेंट दिया, ओके, प्रॉपरली हाई नर्सिंग सुपर स्पेशलिस्ट वार्ड्स हैं वहाँ पे, हाई लेवल ऑफ रिसोर्सेज हैं, इक्विपमेंट्स हैं वहाँ पे, अच्छी तरह डिपार्टमेंट है, डॉक्टर्स वगैरह टेक्निकली वहाँ पे पूरे अप्रोच टेक्निकली अच्छे हॉस्पिटल्स में अपन भेजेंगे, तो स्पेशलिटी उसमें जो भी स्पेशलिटी है उसका केसेस अपन पेशेंट डॉक्टर डील अप कर लेगा। तो वही इसके अंदर बता रखा है कि ताकि मॉर्बिडिटी और मॉर्टिलिटी रेट भी कम हो, सिकनेस रेट भी कम हो, तो अपन रेफर कर सके उसको हायर सेंटर्स में, ताकि उसकी पेशेंट की हायर सेंटर्स में भी ट्रीट हो सके। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो यू कैन सी द ट्राइंगल। ओके, सो दिस ट्राइंगल जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया कि वो ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करता है वर्टिकल इन नेचर। ओके, स्टेप बाय स्टेप, सो सबसे पहले बता रखा है कम्युनिटी हेल्थ वर्कर। ओके, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर रहेगा, चाहे वो ANM हो, चाहे वो आशा हो, एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट हो, ठीक है, एजुकेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, या फीमेल हेल्थ वर्कर हो, मेल हेल्थ वर्कर हो, वो सबसे पहले नीचे ट्राइंगल में रिप्रेजेंट कर रहा है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, यू कैन सी दैट। नेक्स्ट है सब सेंटर में, ठीक है, नेक्स्ट PHC के अंदर, नेक्स्ट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHC, देन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, देन टीचिंग हॉस्पिटल, देन द सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ पे अलग अलग स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग ही पेशेंट को डील करा जाता है। मान लो पेशेंट को कोई भी फॉर एग्जांपल पेशेंट को हार्ट प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे प्रॉपरली हार्ट पेशेंट्स को ही डील अप करते हैं, तो प्रॉपर वहाँ पे कार्डियक सर्जरीज होती हैं या कार्डियक डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं, तो पेशेंट को सुपर स्पेशलिटी वार्ड में उसी चीज़ से लेकर उस पेशेंट को सुपर स्पेशलिटी केयर प्रोवाइड करेगी। जैसे जैसे हायर लेवल बढ़ेगा, वैसे वैसे केयर का बेस्ट
केयर बेस्ट इक्विपमेंट्स के साथ और बेस्ट रिसोर्सेज के साथ पेशेंट को केयर करेंगे. सो दिस ट्राइंगल यू कैन सी दिस ट्राइंगल होल ट्राइंगल इज रिप्रेजेंट देयर इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर. यही है इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके, रेफरल सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर यही है कि कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हैं. ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के इन्फ्लुएंस में, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी हेल्थ नर्स ही देगी. वही नर्स और वही ANM वगैरह देंगे उनको हायर लेवल का अथोराइजेशन. सबसे पहले वो सब सेंटर भेजेगी. अगर सब सेंटर में भी पेशेंट ठीक नहीं होता है तो वो PHC भेजेगी. अगर PHC में भी वो पेशेंट ठीक नहीं हो रहा तो CHC भी नहीं तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो भी पास के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, जहाँ पे उस पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन का क्योर होगा. So this is a triangle. So you can see the triangle. This triangle is an infrastructure. Okay. So that triangle is representing the whole referral system. Okay. तो यही triangle अपन को पूरे referral system का introduction देता है. Okay. So let's move on to the next topic. Purposes. So why it is important? Why referral system is important? First point, to provide need-based comprehensive care within the technical competences and resources at each level of primary healthcare infrastructure efficiently and effectively. Okay, ताकि अपन comprehensive care provide कर सकें, overall care provide कर सकें technically competency के साथ जो भी वहाँ पर need है patient को, जिसकी need है patient को और जो भी resources हैं उस level के, इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अपन पेशेंट को केयर प्रोवाइड करवा सकें. और ओवरऑल केयर की बात हो रही है यहाँ पे, नॉट अ पर्टिकुलर केयर, ओवरऑल केयर पेशेंट को प्रोवाइड करा सकें ताकि पेशेंट में भी, पेशेंट की हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट अपन को देखने को मिले. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, टू हेल्प पीपल अवेल स्पेशलिस्ट सर्विस टू द हाइस्ट इंस्टीट्यूशन बियॉन्ड देयर रीच. ओके, जो वहाँ नहीं जा सकते, जो पेशेंट्स हैं जिनको इतना नॉलेज नहीं रहता, तुमको अपन लोगों को पता है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज रहती हैं जिनको हायर रेफरल सिस्टम का नहीं पता कि हायर लेवल में भी ट्रीटमेंट हो सकता है विथ प्रॉपर रिसोर्सेज. तो उनको ये चीज़ का नॉलेज हो सके ताकि हायर लेवल इंस्टीट्यूशन तक वो नहीं पहुंच पा रहे, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स, एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, एज अ सोशल हेल्थ वर्कर, वो उसको उस लेवल तक पहुंचा सकें. लास्ट पॉइंट, टू स्ट्रैम लाइन द अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ PHC इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्पेशलाइज सर्विस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ओवरलोडिंग ऑफ स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन बाय डायरेक्ट यूजर्स. ओके, ताकि अपन उसको भी लिमिट कर सकें इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, जो भी स्पेशलिस्ट सर्विसेज में, जो भी ओवरलोड स्पेशल इंस्टीट्यूशन में सर्विस प्रोवाइड हो रखी है, तो उसको भी अपन एज अ सर्विस पे ध्यान रख के उस इंफ्रास्ट्रक्चर से अपन उसको प्रमोट कर सकें. ओके, सो दीज आर द पर्पस. नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट फॉर अफेक्टिव रेफरल सिस्टम्स. क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती है रेफरल सिस्टम को सही से मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए. ठीक है, अगर रेफरल सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तभी पेशेंट की अच्छी तरह केयर हो पाएगी, हेल्थ प्रमोशन होगा, मॉर्बिडिटी और मॉर्टिलिटी रेट भी कम होगी अगर ये सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो. ओके, सो द रेफरल यूनिट ऑफ PHC सिस्टम नीड टू बी. अगर PHC सिस्टम की बात हो रही है तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. फर्स्ट, वेल ट्रेन्ड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, सप्लाइज, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक्सेट्रा. तो सबसे पहले क्या चाहिए, वेल ट्रेन्ड नर्सेस चाहिए या वेल ट्रेन्ड अथॉरिटी चाहिए या वेल ट्रेन्ड प्रोफेशनल चाहिए जो भी काम कर रहे हैं वहाँ पे, और मेडिकल इक्विपमेंट्स भी प्रॉपर होने चाहिए, सप्लाईज भी उसकी होनी चाहिए. ऐसा नहीं मेडिकल इक्विपमेंट्स है, मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ साथ सप्लाई भी प्रॉपर होनी चाहिए, और प्रॉपर सप्लाई के साथ वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी उतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट है कंटिन्यू ट्रेनिंग गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स. ऐसा नहीं है कि कम्युनिटी हेल्थ वर्क वर्कर्स काम करें या कम्युनिटी हेल्थ नर्स काम करें. कम्युनिटी हेल्थ नर्स काम करी तो उसको सुपरविजन करने वाला भी कोई चाहिए कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स काम करिए तो वो कैसा काम करिए, उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन क्या है. ठीक है, गाइडेंस अच्छी दे सकें. ठीक है, अच्छी तरह गाइडेंस जो जैसे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर वहाँ पे काम करिए. ठीक है, रेफरल सिस्टम में, तो रेफरल सिस्टम में वो काम करिए तो उसका उसको कंटिन्यू एजुकेशन दे. ओके, ताकि उसको अवेयरनेस हो रीसेंट केसेस के बारे में भी और रीसेंट ईयर्स के बारे में भी कि क्या केसेस हो रहे हैं, रिसेंटली क्या डिजीज़ आ रही है, प्रॉपर उसको गाइड कर सके. क्योंकि वो अच्छी तरह गाइडिंग लाइट में रहेगी तभी वो गाइडिंग लाइट शो करेगी अदर पेशेंट्स को भी. ओके, देन द लास्ट पॉइंट, गाइडेंस ऑन
सैनिटरी मेजरमेंट एंड टू डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशन और डिजीज कंट्रोल मेथड। जैसे कि मैंने बताया कम्युनिटी हेल्थ नर्स का काम होता है सबसे इम्पॉर्टेंट हेल्थ एजुकेशन, तो वो अपना हेल्थ एजुकेशन देगी, तो सबसे पहले वो हेल्थ एजुकेशन देगी सैनिटेशन पे कि प्रॉपर एरिया क्लीन रखे, क्योंकि अगर वो प्रॉपर एरिया क्लीन नहीं रहेगा तो उससे बहुत सारे सेवरल डिजीज कंडीशन पेशेंट या वहाँ के मेम्बर्स को जो रहते हैं वहाँ पर उनको हो सके। तो प्रॉपर अगर हाइजीनिक रहेगा, प्रॉपर कम्युनिटी में हाइजीनिक रहेगा, तो पूरा कम्युनिटी क्या रहेगा, फ्री फ्रॉम डिजीज रहेगा। तो कम्युनिटी को फ्री फ्रॉम डिजीज रहने से बचाने से नर्स क्या करेगी, उसको हेल्थ एजुकेशन प्रमोट करेगी। सो ये सारी चीज़ें इक्विप्ड होना चाहिए। नेक्स्ट, कंडक्ट हेल्थ एजुकेशन सेशंस। ये मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में बता दिया, हेल्थ एजुकेशन सेशंस को कंडक्ट करें, हर सेशन हर मंथ में उसको कंडक्ट करें या हर वीकली कर सकते हैं। प्रोवाइड लॉजिस्टिक सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट्स एंड सप्लाइज रिक्वायर्ड एट PHC। ओके, तो एक ऐसा सपोर्ट है जो लॉजिस्टिक हो, जिसका कोई लॉजिक हो, ठीक है, इक्विपमेंट से लेकर सप्लाई से लेकर PHC में जो भी सप्लाई इक्विपमेंट चाहिए उनको नीड करें, ताकि डिमांड करें, ताकि उसका नीड का फुलफिलमेंट हो। नेक्स्ट, स्टैब्लिश लाइशन एंड फंक्शनल रिलेशनशिप विद अदर सेक्टर्स इन्वॉल्व इन सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। ओके, ऐसा काम करें जिससे सोशल और इकोनॉमिक का डेवलपमेंट हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि अपने पास सारे इक्विपमेंट्स हैं और अपन उसको अदर रिसोर्सेज में ले रहे हैं, अपन को रिसोर्सेज का अच्छी तरह इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो PHC में हो, CHC में, एज अ हेल्थ केयर वर्कर और एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, अपन को पता रहना चाहिए कैसा रिसोर्सेज कितने टाइम के लिए और किसके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी फॉर केसेस टू बी रेफर्ड। ओके, जो भी केसेस रेफर करे जा रहे हैं प्राइमरी से या सेकेंडरी से या टर्चरी से, उन सब के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होनी चाहिए। जैसे अपन देखते हैं अधिकतर हॉस्पिटल्स में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी क्या रहती है, क्या रहती है, एम्बुलेंस। ओके, एम्बुलेंस क्या करती है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्चरी लेवल में उसको वहाँ पे छोड़ कर आती है, प्लस वहाँ पे पेशेंट को हैंडओवर करने के साथ साथ पूरा पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन भी हैंडओवर करना होता है, जैसे कि पूरा का पूरा पेशेंट की इंफॉर्मेशन देना, ठीक है, पेशेंट के बारे में जो भी डिटेल्स है, माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल अदर हायर सेंटर्स में दे कर आनी है, ठीक है। तो अपन को पता है कि अपन रेफर करें किसी पेशेंट को, तो पेशेंट अकेला नहीं जाएगा, उसके साथ नर्स भी जाएगी जो डील कर रही है, जो केयर कर दे रही है, उसके साथ डॉक्टर्स भी जाएंगे और पूरा वहाँ पे उसका फीडबैक देंगे कि पेशेंट इस कंडीशन से है, पूरा पेशेंट का डिटेल्स देंगे जो भी उस हॉस्पिटल में हुआ, ताकि अदर हायर सेंटर्स में अगर पेशेंट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो रेफर कर रहे हैं तो अदर हायर सेंटर्स में भी पेशेंट को ढंग से क्योरिटी मिले और पेशेंट को अच्छी तरह क्योर मिले, हेल्थ प्रमोशन पेशेंट का अच्छी तरह हो। सो नेक्स्ट, द रेफरल हॉस्पिटल एट सेकेंडरी एंड टर्चरी लेवल, अपन देख लेते हैं अगर सेकेंडरी और टर्चरी लेवल है तो उसमें क्या क्या नीड्स हैं। प्रोवाइड स्पेशलाइज क्लिनिक आउट पेशेंट एंड इन पेशेंट केयर कंटिन्यूसली। ओके, ताकि अपन अच्छी स्पेशलिटी केयर प्रोवाइड कर सके, चाहे वो इन पेशेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे वो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट हो, कंटिन्यू, ठीक है, OPD हो या IPD हो, इन पेशेंट हो, अपन को दोनों में केयर प्रोवाइड करनी। नेक्स्ट, बैकअप प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइडिंग PH केयर मैसेजिंग एंड टीचिंग। अपन वही चीज़ें, हेल्थ एजुकेशन की बात आती है इसमें भी, कि अपन प्रॉपरली हेल्थ एजुकेशन दे उस सिस्टम में, ताकि वो सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो और उसको टीचिंग फैकल्टीज़ भी दे, ताकि उसको अभी के जो फ्यूचर प्रिडिक्शन है या प्रीवियस जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ कितनी बेनिफिशियल हुई है कि नहीं हुई है, उसको लेटेस्ट करंट नॉलेज, करंट अफेयर्स का होना भी, पता होना भी एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स उसको ज़रूरी है। नेक्स्ट, डिस्करेज पीपल अटेंडिंग OPDs डायरेक्ट डेटेस टू अटेंड OPD व्हेन दे हैव रेफर्ड कार्ड लेटर और जेन्युइन इमरजेंसी। अगर मान लो जेन्युइन इमरजेंसी है तो अपन ये नहीं पूछेंगे कि OPD कार्ड या IPD कार्ड बताओ, कि जेन्युइन इमरजेंसी तो अपन को उसको तुरंत रेफर करना है हायर सेंटर्स है, हायर हॉस्पिटल सेटिंग्स। नेक्स्ट, एक्ट एज टीचिंग सेंटर फॉर हेल्थ प्रोफेशंस इंक्लूडिंग कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स। तो एज अ टीचिंग सेंटर उसको अपन करें, ठीक है, तो टीचिंग सेंटर्स भी लगते हैं जहाँ पे प्रॉपरली हर मंथ टीचिंग्स होती है, चाहे वो आशा हो, चाहे वो सोशल हेल्थ आशा हो, या कोई भी फीमेल हेल्थ वर्कर हो, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर हो, जो भी है उनका क्या होगा, प्रॉपरली टीचिंग सेंटर्स हैं जहाँ पे करंट अफेयर्स या करंट नॉलेज देते हैं, प्रीवियस नॉलेज को मिला के जो भी नॉलेज है कंपैरिजन करके पूरे नॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं हेल्थ केयर वर्कर्स को।
नेक्स्ट सिलेक्टिंग ऑफ रेफरल केसेस. तो रेफरल केसेस है उसका सिलेक्शन कैसे होता है. ओके फर्स्ट पॉइंट द वेरी सीरियस पेशेंट रिक्वायर इमीडिएट मेडिकल केयर एंड ट्रीटमेंट. ऐसा पेशेंट जो बहुत सीरियस है जिसको इमीडिएट मेडिकल और ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ रही है. ठीक है वैसे जैसे मान लो उस हॉस्पिटल में वो सब ट्रीटमेंट के लिए उतनी एक रिक्वायरमेंट के लिए उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है. उस टेक्नोलॉजी के लिए उसको रेफर करना पड़ेगा हायर सेंटर. नेक्स्ट पेशेंट प्रेजेंटिंग सीरियस साइन एंड सिम्टम ही शी मे नॉट बी सिक बट रिक्वायर इमीडिएट रेफरेंस. ठीक है या इमीडिएट रेफरल. मान लो अगर पेशेंट इतना सीरियस नहीं है बट उसके साइन एंड सिम्टम अपन को ऐसे शो हो रहे हैं कि इसको प्रॉपरली अपन को दिख रहा है कि वो यहाँ पे ठीक नहीं होने वाला, यहाँ के रिसोर्सेज से वो या यहाँ के डायग्नोस्टिक सेंटर से पता नहीं चल रहा कि पेशेंट को हुआ क्या है, तो अपन को तुरंत रेफर करना है. पेशेंट को सीरियस होने का वेट नहीं करना है, अपन को तुरंत रेफर करना है. लास्ट पॉइंट व्हेन स्पेशल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स आर रिक्वायर्ड फॉर डायग्नोसिस. जैसे मैंने बताया जैसे मान लो कोई हॉस्पिटल है वहाँ पे जैसे MRI वगैरह तो अपन दूसरे हॉस्पिटल से करवा के आ सकते हैं. ठीक है जैसे मान लो MRI की फैसिलिटीज़ कहीं हॉस्पिटल्स में नहीं होती है तो दूसरे हॉस्पिटल से MRI वगैरह डायग्नोस्टिक चीज़ करा के आ सकता है पेशेंट, दिखा सकता है रिपोर्ट. बट ऐसे कुछ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर जिनका बहुत ज़रूरी रहता है एक दो दिन का स्टे रहना पेशेंट का. ओके फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे ऐसे डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स रहते हैं जिसमें अगर वहाँ उस जगह नहीं हो पा रहा, उस हॉस्पिटल सेटिंग्स में नहीं हो पा रहा तो उसको भी रेफ़र करें अदर हॉस्पिटल सेटिंग्स में ताकि उसका डायग्नोस्टिक अप्रोच या डायग्नोस्टिक प्रोसीजर अच्छी तरह हो पाए, क्योंकि वहाँ पर वो नहीं हो रहा तो नेक्स्ट हॉस्पिटल सेटिंग्स में वो हो जाए. केसेज रिक्वायर इमीडिएट केयर. तो ऐसे कौन से केसेज हैं जिनको इमीडिएट केयर रिक्वायरमेंट है. द केसेज हु मे रिक्वायर इमीडिएट केयर आर अंडर. So there are certain points in that. There are 5 points. First point, cases presenting any problem which cannot be handled during pregnancy. मान लो ऐसे केसेज जो प्रेगनेंसी में हैंडल नहीं हो पा रहे, लेबर में, पोस्ट नेटल पीरियड में. ओके तो ऐसे केसेस जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस हों उस टाइम पे, तो उसमें इमीडिएट अपन को रेफ़र करना चाहिए. मान लो ऐसा लेबर में भी, लेबर प्रेगनेंसी में भी ऐसा हो रहा है कि मान लो लास्ट स्टेज तक आ गया बट अपने पास इक्विपमेंट्स नहीं है ऑपरेशन करने के. मान लो कोई हॉस्पिटल ऐसी है CPHC, मान लो कोई ऐसा सब सेंटर है वहाँ पर इतनी इमीडिएट अगर प्रेगनेंसी है तो वहाँ पे स्पेशल प्रेगनेंसी किट नहीं है कि स्पेशल प्रेगनेंसी को लेबर को ताकि मतलब ताकि लास्ट स्टेज में आके वो इक्विपमेंट्स नहीं हैं. ठीक है मान लो उस पेशेंट है जो कि लेबर में है, उसकी लास्ट स्टेज चल रही है, ठीक है लेबर की, तो उसमें जो भी टेक्निकल्स प्रॉब्लम आ रहे हैं, मान लो हेड नहीं आ रहा या कुछ भी ना, तो सारे इक्विपमेंट्स होना ज़रूरी हैं. ठीक है जो भी मोड ऑफ डिलीवरी हो रही है तो उस अकॉर्डिंग टू दैट मोड ऑफ डिलीवरी जो भी इक्विपमेंट्स हैं अपने पास वो नहीं है तो अपन को रेफर तुरंत करना है पेशेंट को. एंड टाइम पर नहीं रखना अपन को पेशेंट को, उस टाइम पे नहीं रखना कि उस टाइम, क्योंकि उस टाइम तो इमरजेंसी के टाइम पे अपन रेफ़र नहीं कर सकते. बट अपन को ये सब चीज़ें पहले पता करनी है, ये सब चीज़ें इंडिकेशंस और ये सब पहले पता करके अपन को रेफ़र करना है. नेक्स्ट सीवियर डायरिया विद डिहाइड्रेशन और नॉट रिस्पॉन्डिंग टू ट्रीटमेंट. ऐसा पेशेंट जिसको सीवियर डिहाइड्रेशन या सीवियर डायरिया हो, ठीक है अगर सीवियर डायरिया डिहाइड्रेशन होगा तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है हाइपोवॉलीमिया से. ठीक है हाइपोवॉलीमिया से पेशेंट की डेथ हो सकती है और अगर मान लो पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करा तो तुरंत उसको हायर सेंटर्स भेजना है. नेक्स्ट पेन इन एब्डोमिन एंड वोमिटिंग विथ विदाउट नोइंग प्रेजेंस ऑफ बाउल साउंड. ठीक है मान लो बाउल साउंड अगर नहीं आ रहा और पेन और वोमिटिंग हो रही है तो उस सीरियस कंडीशन में भी अपन को रेफर करना है. नेक्स्ट हार्ट बर्न, डिस्पेप्सिया, डिस्फेजिया, हेमेप्टेसिस एंड मेलेनिया एक्सेट्रा. तो ये सारी ऐसी डिजीज कंडीशंस है जिसमें अपन को कहीं वेट नहीं करना, अपन को तुरंत रेफर करना है हायर सेंटर्स. लास्ट पॉइंट कंटिन्यूस कफिंग विथ और विदाउट स्पूटम हेमेप्टाइसिस. ठीक है ब्लड में स्पूटम आ गया मान लो या कंटिन्यूस कफिंग हो रही है, TB का केस हो सकता है, या उसको तुरंत हायर लेवल में डायग्नोस्टिक सेंटर्स में ताकि वो डायग्नोस कर सकें उस आगे फर्दर ट्रीटमेंट कर सके. ज़रूर अपन को लेट नहीं करना, उसको तुरंत अपन को इमीडिएट रेफर करना है. नेक्स्ट फीवर और स्टिफ नेक. मान लो फीवर है, स्टिफ नेक है, कंटिन्यू फीवर है, 2-3 डेज तक फीवर चल रहा है या वीक्स तक चल रहा है तो अपन को तुरंत पहले भेज देना है. फीवर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू ट्रीटमेंट. ऐसा फीवर जो ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा है. नेक्स्ट है फीवर विथ सीवियर जॉइंट पेन्स. ऐसा फीवर जो सीवियर जॉइंट पेन से हो रहा है मान लो डेंगू और
ऐसे केसेस हो सकते हैं रैशेस, ब्लीडिंग अंडर द स्किन, ठीक है, इन सब में ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, वॉकिंग के टाइम पे, स्लीपिंग या फिजिकल वर्क, तो कोई भी कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है, सीवियर कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है इसमें, चेस्ट पेन हो रहा है जैसे लेफ्ट आर्म में, या रेस्टलेस हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, तो चेस्ट पेन है एज अ साइन ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, तो पेशेंट को एंजाइना पेक्टोरिस या कोई भी और फर्दर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो उसको भी प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट है जॉन्डिस, लॉस ऑफ एपेटाइट, कन्वर्शन एंड फीवर, कोमा, अगर पैरालिसिस है, कोमा में जा रहा है, फ्रैक्चर है, सीवियर इंजरी है, कोमा में वेंटिलेटर चाहिए, तो प्रॉपर यहाँ पे वेंटिलेटर हो, इक्विपमेंट्स पूरे हो, वहीं पे अपन को रेफ़र करना है। पॉइसन केस हो, मान लो पॉइसन ले लिया, उसका एंटीडोट है, तो वो हायर सेंटर्स में मिलेगा, तो अपन को वहाँ पे रेफ़र करना है। नेक्स्ट है रेफरल फॉर्म, यू कैन सी दैट रेफरल फॉर्म, पेशेंट इन्फॉर्मेशन, नेम, ओके, एंड देन फिजिशियन इन्फॉर्मेशन, के फिजिशियन का नेम, एड्रेस जो भी है, कहाँ है, क्या फाइंडिंग्स पाई गई है, वो लिखनी है अपन को, रिकमेंडेशन लिखनी है नीचे, और नीचे साइन। नेक्स्ट यू कैन सी अदर फॉर्म, फैमिली मेडिकल क्लिनिक है, जिसके अंदर अपन देख रहे हैं, नाम आएगा, साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, क्या रिजल्ट निकला ट्रीटमेंट का, ट्रीटमेंट क्या दिया है, डायग्नोसिस क्या है, ठीक है, देन क्या कॉमोबिडिटीज, मतलब कोई और डिजीज कंडीशन भी इसमें मिक्सअप हो रही है क्या, या पेशेंट को कोई और प्रॉब्लम भी है क्या, कहीं एलर्जी तो नहीं है कुछ किसी चीज़ से, क्यों रीज़न करा है, ठीक है, मेन चीज़ है कि रेफरल का रीज़न क्या है, तो वो अपन को लिखना है, देन साइन करना है डॉक्टर का। तो ये एक अलग अलग हॉस्पिटल्स में वैसे अलग अलग रेफरल फॉर्म्स होते हैं अकॉर्डिंग टू दैट प्रायोरिटीज़, तो ये एक जस्ट एग्जाम्पल है फॉर्म का, लेटर का। नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ रेफरल केसेस, सो क्या एडवांटेज है रेफरल केसेस के, देख लेते हैं, बेनिफिशियल टू द पेशेंट बिकॉज दे रिसीव इफेक्टिव केयर एट द प्राइमरी लेवल विच इज़ नियर बाय होम, ठीक है, तो पेशेंट यही चाहता है कि नियर बाय होम हो उसका ट्रीटमेंट, बट अगर वो नहीं हो पा रहा तो अपन प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी लेवल पेशेंट को भेजेंगे ताकि अच्छा ट्रीटमेंट मिले। नेक्स्ट पॉइंट, बेनिफिशियल टू हेल्थ वर्कर बिकॉज दे आर एबल टू टेक केयर ऑफ पेशेंट विच इज़ विद इन द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी एंड नॉट फ्राइटिंग टू हैंडल डिफिकल्ट केसेज बिकॉज दे हैव रेदर हाई यूनिट ऑफ रेफरल यूनिट, ठीक है, मान लो अगर सीएचसी पीएचसी अगर यहाँ पे, तो वो चीज़ उस वो डरे नहीं, कोई भी कॉम्प्लिकेशन या कोई भी हार्ट पेशेंट्स आए, ठीक है, वो ऐसे उसको तुरंत रेफर नहीं करेंगे, पहले उसको देखेंगे उनसे हो पा रहा है तो वो देखेंगे, नहीं तो वो रेफर करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं वो तुरंत रेफर कर दें, ठीक है, अगर उनको लग रहा है कि तुरंत रेफर करने जैसा केस है तब तो उसको रेफर करेंगे, ठीक है, बट मान लो कि उनको ऐसा डर नहीं है, नहीं होना चाहिए कि कोई अगर ये पेशेंट ठीक नहीं हुआ तो क्या, अपन को तुरंत रेफर करना है हायर सेंटर्स में, ओके, विदाउट फ्राइटेंड, कोई भी केसेस हो चाहे उसको विदाउट फ्राइटेंड अपन को, चाहे वो लो लेवल से, मतलब लो इंफ्रास्ट्रक्चर से, प्राइमरी से, सीएचसी पीएचसी से हाई लेवल में जा रहा है, तो अपन को उसी लेवल से अपन को पेशेंट को डील करना है, किस लेवल से आ रहा है, किस सेंटर से आ रहा है, वो सब इसके अंदर आएंगे। नेक्स्ट है बेनिफिशियल टू मैनेजमेंट बिकॉज इट इज़ इकोनॉमिकली एज हाईली ट्रेंड एंड हाईली पेड डॉक्टर्स, नर्सेस एंड अदर प्रोफेशनल टेक केयर ऑफ पेशेंट एंड सीरियस एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एट हायर लेवल ऑफ रेफरल यूनिट ऑफ अ पेशेंट विद सिंपल एंड माइनर प्रॉब्लम टेकिंग केयर ऑफ मच ऑफ कोस्ट ऑफ द हेल्थ केयर वर्कर, ओके, तो इसमें ये बता रखा है कि जैसे हायर लेवल में भेजा तो हायर लेवल में भेजने से वहाँ के डॉक्टर्स भी क्या होंगे, हायर एजुकेटेड होंगे, हायर वेल सेटल्ड होंगे, तो वो सब हायर लेवल से ही पेशेंट को ट्रीट करेंगे उस लेवल और उस लेवल के अकॉर्डिंग, बिकॉज वहाँ के डॉक्टर्स को भी हाई लेवल पेड होता है, ठीक है, हाई लेवल में उनको पेमेंट मिलती है, हाई लेवल उनको पे करके ही आगे अपन देखते हैं कि सब चीज़ें अगर हाई लेवल की होगी, ठीक है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होंगे या जो भी हॉस्पिटल्स हो रहे हैं वहाँ पे जो इनकमिंग सोर्स है वो ज़्यादा होगा, ठीक है, ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी है या सेकेंडरी है, वहाँ पे ज़्यादा इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पे इफेक्टिवली केयर प्रोवाइड हो रही है विद इफेक्टिव टेक्निकल, विद उनका उतना ही ज़्यादा वो रहेगा कि उनकी टीचिंग फैकल्टीज़ अच्छी रहेगी, उनको टीचिंग प्रॉपरली दी जाती है, ठीक है, अगर न्यू केसेस आ रहे हैं तो अवेयरनेस भी रहती है, तो अगर हाई लेवल में रहेगा, हाई पेड डॉक्टर से रहेगा तो हाई ट्रीटमेंट भी पेशेंट को मिलेगा। नेक्स्ट की पॉइंट टू इफेक्टिव रेफरल सिस्टम्स, ये तीन की पॉइंट हैं जो इफेक्टिव रेफरल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर्स रोल,
अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए रोल्स की। ऐसा नहीं कि अपन को रोल्स अगर डिवाइड करे गए हैं तो अपन को उसी रोल के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। नेक्स्ट है म्यूचुअल रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट रहनी चाहिए चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो फीमेल हेल्थ वर्कर हो या हाई लेवल का हो चाहे लो लेवल हेल्थ वर्कर हो, अपन को सबको म्यूचुअल रिस्पेक्ट देनी है। द लास्ट वन इज़ म्यूचुअल कॉपरेशन, ठीक है। एक साथ कॉपरेट नहीं करेंगे तो हेल्थ केयर टीम या हेल्थ केयर वर्कर्स क्या होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा। तो प्रॉपरली टीम अप होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी हेल्थ केयर वर्कर्स के बीच में, तो अच्छा कनेक्शन रहेगा और अच्छा अपन पेशेंट को ट्रीट कर पाएंगे। नेक्स्ट नर्सेज रोल इन रेफरल सिस्टम। सो क्या क्या नर्सेज के रोल है रेफरल सिस्टम में? फर्स्ट ऑब्जर्व एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट इलनेस ट्रॉमा रिलेटेड सिचुएशन एंड फैक्टर्स। तो सबसे पहले अपन को इन्फॉर्मेशन लेनी है पेशेंट की, कोई भी इलनेस है, कोई भी ट्रॉमा है, कोई भी सिचुएशन आ रही है, तो अपन को सबसे पहले क्या करना है, इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली लेनी है पेशेंट की, ठीक है। प्रीवियस हिस्ट्री भी लेनी है उसकी और प्रेजेंट हिस्ट्री से अपन को कंपैरिजन करके उसका आगे फर्दर ट्रीटमेंट करना है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ इलनेस, इमरजेंसी एंड सीरियसनेस। अपन को सबसे पहले, ऐसा नहीं सीरियसनेस होने के बाद अपन पेशेंट को भेजें, नहीं, सीरियसनेस होने से पहले ही अपन को आइडेंटिफाई करना है नेचर और इलनेस और कोई भी इमरजेंसी, फिर अपन को पेशेंट को रेफर करना है। ऐसे नहीं अपन सीरियसनेस बाद में नोट करें, पेशेंट सीरियस हो गया अब भेजें, नहीं, अपन को ये सब पहले पता करना है। लास्ट पॉइंट प्रोवाइड इमीडिएट ट्रीटमेंट केयर विद इन द कॉम्पिटेंसी स्टैंडिंग ऑर्डर एंड रिसोर्सेज अवेलेबल। अपन को ये देखना है कि इसके लिए वो रिसोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं। मान लो ऐसी ट्रीटमेंट है जिसके रिसोर्सेज वहाँ अवेलेबल नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन को रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग ही ट्रीटअप करना है। नेक्स्ट है अश्योर द कैजुअलिटी फैमिली मेंबर एनी अदर पर्सन कंपनी। अपन को अश्योर करना है कि नहीं पेशेंट ठीक हो जाएगा, वही अपन को पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को भी प्रमोट करना है और अपन को हेल्थ एजुकेशन देना है कि ऐसा नहीं होगा, पेशेंट ठीक हो जाएगा। और पेशेंट को रेफ़र कर रहे हैं यहाँ पे, अगर रेफ़र करना है तो अपन को पेशेंट के कंपेनियंस को भी तुरंत उसी वक्त बताना है। नेक्स्ट एक्सप्लेन अबाउट द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम सिचुएशन एंड नीड ऑफ रेफरल कैजुअलिटी। क्या नीड है रेफरल सिस्टम की वो पता होना चाहिए, किस प्रॉब्लम के किस सीरियसनेस से अपन भेज रहे हैं। जैसे अपन ने वो फॉर्म देखा प्रीवियस स्लाइड में, अपन को नीचे ये दिया गया था कि क्यों, रीज़न क्या है रेफर का, वो मेन होना चाहिए। नेक्स्ट फिल अप द रेफरल फॉर्म, जैसे मैंने बताया रेफरल फॉर्म को फिल करना है। डिजायर आर हैंड ओवर द सेम रिलेटेड डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स जो भी रेफरल सिस्टम में जहाँ पे भी सेंड कर रहे हैं वहाँ पे नाम आएगा, क्यों सेंड कर रहे हैं, उस डॉक्टर जो भी डॉक्टर ट्रीट कर रहा है उसका डॉक्टर का नाम, नर्स का नाम, सबका नाम आएगा। नेक्स्ट अरेंज फॉर ट्रांसपोर्ट, मैंने बताया जैसे कि पेशेंट का अरेंजमेंट ट्रांसपोर्ट रेफरल सिस्टम तब ख़त्म नहीं, रेफरल सिस्टम में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मस्ट इम्पॉर्टेंट है। पेशेंट को वहाँ उस तक पहुँचाना, उस जहाँ पे भी रेफ़र कर रहे हैं उस हॉस्पिटल में रेफ़र कर रहे हैं, विद दैट रेफर फॉर्म डॉक्टर्स भी जाएगा, नर्स भी जाएगी जो पेशेंट को ट्रीट करी, ठीक है। पेशेंट के साथ साथ डॉक्टर नर्स भी जाएंगे, प्रॉपर वहाँ पे ओवर दे के आएंगे पेशेंट का, ओवरऑल ओवर देंगे कि अब तक पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, पेशेंट की रिपोर्ट्स दे के आएंगे, डायग्नोस्टिक सारे चीज़ें दे के आएंगे। देन अपन को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, जैसे मैंने बताया अधिकतर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी क्या रहती है, एम्बुलेंस, थ्रू एम्बुलेंस के ही जाते हैं। नेक्स्ट मे डू द टेलीफोनिक कंसल्टिंग टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेटिंग रिलेटेड हेल्थ सेंटर्स, ठीक है। अपन क्या कर सकते हैं, टेलीफोन से ये भी अपन पता कर सकते हैं थ्रू फोन, ओके। आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो अपन थ्रू फोन्स और अपन सारे डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं, जो भी डेटा अगर भूल गए हैं, प्रीवियस नहीं बताया है, या पेशेंट की कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो अपन फ़ोन पे ले सकते हैं, अगर रेफर करने के बाद भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो, ओके। नेक्स्ट मे अकोमोडेट द कैजुअलिटी पेशेंट इफ रिक्वायर्ड एंड फीसिबल। अपन को फीसेबल मैटर लेना, ऐसा नहीं अपन ने मैटर जो भेजा है रेफरल सिस्टम में फीसेबल ना हो, वो कैलकुलेटेड ना हो, वो अकॉर्डिंग टू डैट अपन को भेजना है। नेक्स्ट मेंटेन्स द रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, मस्ट इम्पॉर्टेंट एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, एज अ जनरल नर्स, एज अ हॉस्पिटल केयर नर्स, अपन को ये ज़रूर ध्यान रखना है कि रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट प्रोवाइड फॉलो अप केयर एंड ट्रीटमेंट इंस्ट्रूमेंट पेशेंट रेफर यूनिट, ओके। अगर पेशेंट को रेफर्ड कर रहे हैं अपन, तब भी अपन डॉक्टर्स क्या करेगा, ट्रीटमेंट जो उसने दिया था उसको फॉलो अप करने की बोलेगा और उसको आगे अथॉरिटी हायर सेंटर्स में भेजने से पहले वो फॉलो अप ट्रीटमेंट भी प्रॉपरली देगा। So thank you so much, hope you all understood the referral system, thank you।